अगर यानी कि टायर जब पंचर हो गया तो फिर जब गाड़ी पंचर टायर के साथ आप चलते हैं तो साथ वाला दूसरा टायर जो होता है वो फट जाता है, हैंगे, तब जाकर आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकेंगे। नहीं तो 1 साल आपका बिल्कुल ज़रूरी है। उसमें गाड़ी की मेंटेनेंस हो गई, यानी कि अगर गाड़ी आपकी कहीं पर चौक हो जाती है, जैसे पाकिस्तान में यानी कि कहते हैं हवा पकड़ लेती है, तो आपको अभी पता नहीं होगा कि इसकी फ़िल्टर कहाँ कहाँ पर हैं, डीजल फिल्टर इसका कहाँ पर है, कहाँ से मैंने हवा निकाली है, कौन सी चाबी लगेगी, या कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर गाड़ी हवा पकड़ सकती है, या अगर हवा ना भी पकड़े तो फिर कौन सी वजह है कि चलते चलते गाड़ी बंद हो जाती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, खुशबाश रखे अपनी फैमिली के साथ। हम आज 99 यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहता हूँ। अच्छा, एक हमारे भाई थे, उन्होंने ये बेसिकली पूछना चाहा कि अगर बंदे के पास लाइसेंस भी ना हो और बंदा ड्राइवर भी ना हो तो क्या वो सऊदी अरब में कामयाब हो सकता है? अच्छा, इसके लिए इसका जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ, पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद अगली बात बाद में करते हैं। अच्छा जी, ये तमाशा आपने देखा, तो ये तो था ढोल। अभी ढोल कितने पैसों का हो सकता है तो आप खुद से अभी अंदाज़ा करें। आप अभी उम्मीद है समझ भी गए होंगे कि जब तक आपका किसी काम में एक्सपीरियंस नहीं होता, जब तक एक काम आप प्रॉपर तरीके से सीख नहीं लेते, तो उसको उस पर जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। अभी इस भाई का आपने देखा कि ढोल इसने कहाँ से कहाँ फेंक दिया। तो इसी तरह आप भी अगर ना आपको ड्राइवरी की अलिफ बात आपका पता होगा, ना आप कोई आपने कभी एज ए कंडक्टर कहीं पे जो है ना अपना तजर्बा बनाया होगा, तो आप सीखे बगैर अगर आएंगे तो फिर हो सकता है आप इसी तरह ढोल को ढोल की तरह, जैसे इस भाई ने ढोल को कहीं पे फेंका है, अभी वो पता नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी, तो इसी तरह आप भी हो सकता है, अल्लाह ना करे आप इसी तरह गाड़ी फेंक दें कहीं पर किसी बड़े लंबे चौड़े खड्डे में। तो भाई कोई भी काम है उसके लिए सीखना ज़रूरी है। कोई काम इस दुनिया में नहीं है, अभी मैं खुद ड्राइवर हूँ, तो मैंने 2.5 साल पाकिस्तान में कंडक्टरी की है, एज ए कंडक्टर मैं रहा हूँ, वहाँ पे हमारे सिरे की ज़बान में क्लीनर कहते हैं। मैंने 2.5 साल मैंने गुजारे हैं एज ए कंडक्टर, और बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा वज़न ओवरलोड होता था, काफ़ी टायर खोलने पड़ते थे। वो दिन मुझे अभी याद आते हैं, तो मेरी यकीन करें हमारे सरेकी में कहते हैं कि मेरी आँखें तो छाँ आवे नहीं है, तो मेरी आँखों पर अभी तक वो अंधेरा आ जाता है जब वो दिन मैं सोचता हूँ वो कितने मुश्किल दिन थे और कितना वज़न होता था गाड़ियों पर लोड होता था, और उनको फिर टायर खोलना, टायर फट जाते थे बाज़ कभी कभी कभार ऐसा टाइम भी आता था कि टायर पंचर होता था और उस्ताद कहता था कि जाओ उठो और टायर चेक करके आओ। तो मैं देखता था तो टायर पंचर होता था, तो कभी कभी मैं सोचता था कि उस्ताद को ना बताऊं, तो फिर मैं सोचता था कि अगर ना बताऊंगा तो वो फिर मारपीट भी करेगा, मारेगा भी सही और गाड़ियाँ भी देगा। तो अगर यानी कि टायर जब पंचर हो गया तो फिर जब गाड़ी पंचर टायर के साथ आप चलते हैं तो साथ वाला दूसरा टायर जो होता है वो फट जाता है, इसका नुकसान ये होता है, और पहले वाला जो टायर होता है वो फिर वो भी चलने के काबिल यानी कि नहीं रहता। तो ऐसी ऐसी यानी कि ये एक मैंने आपको सिर्फ एक 1% आपको बताया। बहुत मुश्किल दिन थे, गुजर गए अल्लाह के फजल करम से, वक्त एक जैसा नहीं रहता। अच्छा जी, तो आपको ये बताने का, ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि आपको ये समझा सकूं कि कोई भी काम इस दुनिया में है उसके लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है। बे उस्तादा जो है सारी ज़िंदगी बेमुराद रहता है। उस्ताद के बगैर आप कोई काम नहीं सीख सकते, ठीक है, कोई भी काम आप नहीं सीख सकते उस्ताद के बगैर। तो कोशिश किया करें ये ड्राइवरी जो है इसके लिए
तजर्बा आपका कम से कम यानी कि 2 साल आप एज ए कंडक्टर रहेंगे, तब जाकर आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकेंगे, नहीं तो 1 साल आपका बिल्कुल ज़रूरी है। इसमें गाड़ी की मेंटेनेंस हो गई, यानी कि अगर गाड़ी आपकी कहीं पर चौक हो जाती है, जैसे पाकिस्तान में यानी कि कहते हैं हवा पकड़ लेती है, तो आपको अभी पता नहीं होगा कि इसकी फ़िल्टर कहाँ कहाँ पर हैं, डीजल फिल्टर इसका कहाँ पर है, कहाँ से मैंने हवा निकालनी है, कौन सी चाबी लगेगी, या कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर गाड़ी हवा पकड़ सकती है, या अगर हवा ना भी पकड़े तो फिर कौन सी वजह है कि चलते चलते गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये जो है ना छोटी छोटी बातें होती हैं ये आपके लिए, यानी कि इस यही चीज़ें बंदा सीखता है गाड़ियों में, जब गाड़ी के साथ हादसा पेश आता है तो फिर बंदा सीख जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी क्यों बंद हो गई या वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी टाइप की वीडियो एक कोशिश करूँगा, एक और भी बनाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह नेगेबान।